मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीके में सुना रहे नया चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग इंडिविजुअल फाइनेंस स्टोर्स के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कीर्तिमान प्रतिद्वंदियों पार्टिसिपेट कर बात करें, जो प्रतियोगिता होती है ओलंपिक्स की बात करें, क्रिकेट की बात करें, वॉलीबॉल की बात करें, बहुत सारे ऐसे गेम है जहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं खेल में, और साथ साथ लोग एक नए कीर्तिमान को लेकर के आगे जाते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते भी हैं, टूटते भी हैं। तो उसी में इंडिविजुअल वाले शो की बात करें तो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल लोगों द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा कीर्तिमान बनाए गए हैं, और उसको हम लोग जानेंगे किस प्रकार से किन लोगों का क्या रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें आपके नाजिया मलेशिया की बात करें, इनके बारे में हम लोग कुछ डिटेल प्राप्त करें स्टूडेंट को, यहाँ पे कह सकते हैं 1976 ओलंपिक्स एट कनाडा, इनकी बात करें बात करें स्टूडेंट्स, तो उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया 4 मीटर
इंग्लैंड के साथ एक सीरीज चल रही थी, टेस्ट टेस्ट सीरीज चल रही थी। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ब्लैक लॉरेंस और वेस्ट इंडीज, ये वेस्ट इंडियन क्रिकेटर थे। ऐसे बात करें स्टूडेंट्स, ये इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है तो अभी जब भी कोई बैटिंग 100 करते हैं तो उन्हें सेंचुरी कहा जाता है, 200 करते हैं तो डबल सेंचुरी और 300 करते हैं तो उन्हें ट्रिपल सेंचुरी कहा जाता है। लेकिन अभी 400 तो इनको क्या कहेंगे, तो ऐसा कुछ एक्ट नहीं है। लेकिन यहां पर बात करें इंग्लैंड के खिलाफ सेंट जॉन्स, एंटीगुआ था जिसमें अगेंस्ट इंग्लैंड इंटरनेशनल क्रिकेट के तीन फॉर्मेट होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला होता है ओडीआई वनडे इंटरनेशनल, दूसरा होता है T20 और तीसरा होता है टेस्ट सीरीज। ये 50 ओवर्स की गेम फॉर्मेट होते हैं, ये 20 ओवर्स का फॉर्मेट होता है और इसमें वन डे 80 ओवर्स प्ले किए जाते हैं, 35 का गेम होता है और ज्यादातर इसमें बात करें नॉर्मली तो दो इनिंग खेले जाते हैं, उसी में से एक सिंगल इनिंग में ब्रेड लगा के 400 का स्कोर का कीर्तिमान हासिल किया, जो अभी तक अनब्रेकेबल है। अब अंतिम जो हमारा अंतिम जो मूवी है रिकॉर्ड होल्डर उनके बारे में जानते हैं, वो भी हमारे क्रिकेट से रिलेटेड ही है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। जिम लेटर की बात करें तो यह 21 बॉलर थे। देखिए आपको पता होगा क्रिकेट के बारे में, बल्लेबाज होते हैं, गेंदबाज होते हैं, फील्डर होते हैं। तो अगर बात करें नॉर्मली कि क्रिकेट का शुरुआत किसने किया, तो इंग्लैंड की शुरुआत थी क्रिकेट का, तो इंग्लिश बॉलर थे, इट मीन्स इंग्लैंड के बॉलर थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। और काफी मुख्य बात यह है एसेस सीरीज, एसेस सीरीज में युद्ध तो वर्ल्ड कप होता है, बहुत सारे सीरीज होते हैं, लेकिन एसेस सीरीज में क्या है ना, एसेस सीरीज की एक अपनी दुनिया है, एसेस सीरीज ये अभी तक का इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ये मार्कर का साइज देख रहे होंगे, ये मार्कर का साइज का ही ट्रॉफी होता है, इतना ही छोटा, आप देख करके डर रह जाएंगे कि इतना भी छोटा ट्रॉफी होता है, तो ये इसको एसेस सीरीज कहा जाता है, इतना ही छोटा ट्रॉफी होता है। और पहले 2-3 देश के बीच में खेला जाता था, अब इंग्लैंड और मेनली ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 9 विकेट लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात करें तो 10 विकेट होते हैं, 11 प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है, सिंगल टीम में, और उनके 10 प्लेयर्स बैटिंग कर सकते हैं, तो 9 विकेट उन्होंने लिया आउट ऑफ 10, कितने रन दिए उन्होंने, 37 फर्स्ट इनिंग में। अगर दूसरे इनिंग की बात करें स्टूडेंट्स तो दूसरी इनिंग में उन्होंने टोटल 10 विकेट्स लिए, उन्होंने जो रन दिए 53 दिए। तो अगर इनकी बात करें नॉर्मली 1936 में ये कीर्तिमान हासिल किया था इंग्लैंड के बॉलर ने, इंग्लिश बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एसेस सीरीज में, ठीक है। अगर यहां पे और बात करें तो टोटल इनका जो फिगर बना था स्टूडेंट्स वो 20 विकेट्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, उन्होंने 19 विकेट्स कैरी किए और अभी तक आफ्टर 60 इयर्स के बावजूद भी स्टूडेंट्स ये रिकॉर्ड अनब्रेकेबल है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होल्डर्स के नाम के कुछ इंडिविजुअल माइलस्टोन्स, नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिए होंगे इसके ऊपर आप उन्हें